भी पहुंच चुके हम लोग कैंपिंग के पास और यहाँ पर देखिए सूचना पट लगाया गया है, तो लाहौल की भाषा में इतनी तेज बारिश लगी है ना, चश्मा निकालते हुए आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक तो हवा इतनी तेज चल रही है ऊपर। देखिए खेत में चलने पर 500 रुपए फाइन, वो भी भाई सीधे हार्ड कैश लिया जाएगा, नो गूगल पे नो फोन पे। यहाँ पर आप जितने पास जाओगे ना उतना ज्यादा रिस्क है। हेलो जी, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो है आज का मौसम, नीला आसमान, सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं। तो आज हमें छुट्टी है क्योंकि अपनी हीरोइन बीमार हुई थी, वो ठीक नहीं हुई है, तो आज मनाली हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उन्हें, तो आज फुल डे रेस्ट है। तो सबसे पहले ना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे का प्लान बनाते हैं। देखिए आज का ब्रेकफास्ट है ये, दादा इसका नाम क्या है? पोंगल। ठीक है, ये पोंगल है, ये पता नहीं क्या है, ये बड़े है। तो चलिए करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आ चुका है यहाँ पे, देखिए आज घी के साथ दिया है इन्होंने क्योंकि छुट्टी है ना, तो अपना भाई स्पून तो भूल गए, तो ये बड़े दिए है, ये पुलाव दिया है इन्होंने, ये चटनी दी है, ये कॉफी और आज घी डाल के दिया है। इनका घी भी है भाई साहब, आज देखिए छुट्टी का दिन है तो घी के साथ दे रहे है। तो चलिए करते अपना ब्रेकफास्ट और मिलते है उसके बाद। हेलो जी, तो खाना खा के आ चुके हैं, अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग सिसु वाटरफॉल। आज छुट्टी है कुछ तो मजा लिया जाए, तो सीधा सिसु वाटरफॉल जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी भाई। यहाँ पर ना एक अलग ही माहौल है, नदी के दूसरी तरफ इतनी तेज हवा और नदी के इस तरफ ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक हल्की सी हवा भी नहीं चल रही है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं, तो देखिए जहाँ से अपने बाइकर्स आ रहे हैं ना लास्ट से, मैं दिखाऊंगा अभी, वहां तक अपनी जिप्सी जाती है, बाइक्स जाते हैं, लेकिन अपनी इनोवा नहीं जाती यार, बहुत दुखी बात है। बट मौसम जैसे ही हम लोग ना, हमारा प्लान बना कि सिसु वाटरफॉल जाएंगे हम लोग, तो वैसे ही अपना मौसम बिल्कुल, बादल ने ना अपने सूर्य भगवान जी को ऐसे छुपा लिया। यहाँ पर देखिए, देखिए सारे ना सब्जी के खेत है, ये सारे अपनी गोभी लगाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो घर बनाया है ना यहीं पे लोग रहते हैं, और पूरा गोभी का प्लॉट है ये भाई। देखिए कितना मेहनत करते हैं लोग, तभी मिलता हमें खाने के लिए। बट व्यू इज सो ऑसम यार, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मतलब हम लोग वाटरफॉल अभी पहुँचे भी नहीं है, तो पहले ही मतलब एक ऑसम वाली फीलिंग आ रही है। बस यहीं तक सारी गाड़ियाँ आती है, यहीं पे लगते बाइक अपनी जिप्सी जो भी लाते हो ना, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लग जाती है, यहाँ से ऊपर सीधे पैदल ट्रैक। हम लोग तो पीछे से आ रहे ब्रिज के, वहीं से पैदल ट्रैक करके। यहाँ पे देखिए पूरी रेत है, अपने रेगिस्तान की तरह है यहाँ पे पूरी मिट्टी, देखिए और आलू लगाए हैं यहाँ पे, वो देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे आलू, ये देखिए। अभी स्टार्ट हो गया है अच्छा वाला रास्ता, देखिए यहाँ से प्रॉपरली रास्ता बनाया गया है, क्योंकि वो सामने ना कैंपिंग्स लगी हुई है सारी, आप लोग रह भी सकते हो, तो थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा। और देखिए ये सारा यहाँ पे ना गोभी के पौधे लगाए गए हैं, ओ भाई ऐसे ये राउंड पूरा एरिया में ना सारी गोभी लगी है। देखिए खेत में चलने पर 500 रुपए फाइन, वो भी भाई सीधे हार्ड कैश लिया जाएगा, नो गूगल पे नो फोन पे। आप बिल्कुल भी ऐसे पैर रखोगे ना अंकल, वहाँ अंकल आंटी वहां से देखेंगे और सीधे 500 रुपए दो भाई। भी पहुंच चुके हम लोग कैंपिंग के पास, और कैंपिंग भी भाई क्या मस्त बनाई है, इतनी हाइट पे देखिए अपना होटल ना वो सामने है, ये रहा अपना सिसु का झील और अपना होटल है वो सामने जो रेड कलर का दिख रहा है, और हम लोग देखिए कितनी हाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना पानी की कोई कमी नहीं है, जरूरी नहीं आप बॉटल लेके आओ, यहाँ पे भाई नेचुरल पानी इतना ज्यादा है ना, कहीं भी पी सकते हो, देखिए बिल्कुल जड़ी बूटियों वाला पानी। तो जो ये वाटरफॉल है ना, ये है माता काली का तीर्थ स्थान, यहाँ पे कई जगह बोर्ड भी लगाया है जय माँ काली। यहाँ पर देखिए सूचना पट लगाया गया है, तो लाहौल की भाषा में माता पालदिन लामो और जय काली माँ, काली माता तीर्थ स्थान, झरने के पास गंदगी ना फैलाए, झरने के पास ज़्यादा नज़दीक ना जाए, दुर्घटना घटने पर स्वयं जिम्मेदार। भाई साहब ज़्यादा झरने के पास नहीं जाना है, वीडियो बनानी फोटोग्राफी करनी दूर से करनी, और यहाँ पे कूड़ा कचरा तो भाई बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग वाटरफॉल के पास, हियर इज द अपना वाटरफॉल, जय माता काली। भाई साहब क्या वाटरफॉल आ रहा है यार, और इतनी हाइट से और इतना पानी ना,
जितना पूरी नदी बहती है ना सेम भाई, वहां से गिर रहा है और देखिए ऐसे लग रहा है पूरी नदी बह रही है ऊपर से भाई साहब। इसको बोलते जिंदगी सफल हो गई। इसके साथ ये पहाड़ है ना बिल्कुल हार्ट के शेप में है। अगर इसका आप ड्रोन शॉट देखोगे अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा बिल्कुल हार्ट के शेप का। और इतना बड़ा नदी की तरह झरना बहता है। अभी बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हम लोग वाटरफॉल में और हियर इज द अपना वाटरफॉल भाई। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना और छींटे ना सीधे ऐसे मुंह पर आ रहे हैं। तो इतनी तेज बूंदे आ रही है ना सीधे ऐसे कैमरे पर पड़ रही है लेंस पर भाई, पूरा फेस गीला हो रहा है ऐसे करके। दिस इज द ऑसम फीलिंग भाई। भाई यहाँ पे ना पानी का बाप बढ़ते जा रहा है तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। तो बट जो ये वाली फीलिंग है ना भाई इतनी ऑसम है ना, मन करता है कि टेंट लाके यहीं पे एक दिन स्टे करके जाए। बट क्या करे, जाना भी पड़ेगा। यहाँ पर आप जितने पास जाओगे ना उतना ज्यादा रिस्क है। अब आना एकदम ऐसे जैसे बहाव आता ना वैसे उसके साथ ही भाई, मैं ऐसे खड़ा था ना हल्के से पास जाके, यहाँ से भाई कम से कम 2 फुट तक इतना तेज हवा आई और ऊपर से जो पानी का बहाव है ना वो बढ़ता रहता है एकदम से, बढ़ेगा फिर कम होगा एकदम से, जैसे बढ़ता है वैसे ही हवा एकदम से। बहुत तेज बारिश लगना स्टार्ट हो गया है, हम लोग बीहड़ में फंस चुके हैं। अभी हम लोग अपना हेलीकॉप्टर मंगाएंगे और हेलीकॉप्टर में जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं। अभी लास्ट चारा बचता है हेलीकॉप्टर का, बहुत तूफान आ रहा है। अभी हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे वाटरफॉल के पास, तो फटाफट से जाते हैं हेलीकॉप्टर को कॉल लगाते हैं और पहुँच जाते हैं। इतनी तेज बारिश लगी है ना, चश्मा निकालते हो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक तो हवा इतनी तेज चल रही है ऊपर से बारिश, ऐसे आंखें बंद हो रही है। यहाँ पे ना बर्फ वाली बारिश पड़ रही है, स्नो वाली, तो जल्दी जल्दी भी नहीं चल सकते, इतनी तेज हवा पीछे को धकेल रही है। तो अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग ब्रिज के पास, तो चलिए मिलते सीधे गाड़ी में। तो फाइनली पहुंच चुके गाड़ी के अंदर और हम लोग हो चुके पूरे गीले। तो देखिए पूरी बारिश आ चुकी है, पूरा अपना स्क्रीन भी पूरी बारिश बारिश से बूंदे बूंदों से भर चुका है। तो अभी जा रहे होटल वापस यार, ठंड बहुत लग चुकी है, तो सबसे पहले जाके खाना खाते हैं, चलिए फिर मिलते हैं। अभी वापस पहुंच चुके हैं हम लोग वहां से, तो बहुत थक चुके हैं, तो फिलहाल खाना खाते हैं और मिलते हैं उसके बाद। अब पैदल चलने के बाद ना हियर इज द अपना खाना भाई, चिकन बैंगन रोटी चावल और चटनी। तो फाइनली हम रूम पहुंच चुके हैं, तो आज मस्त वाला सीन रहा अपना, झरने के पास गए वाटरफॉल के पास, अपने साथ भाई थे तो हम दोनों गए थे। अभी रूम वापस पहुंच चुके हैं क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना है और 5 बजे लोकेशन पर पहुंचना है, कल से फिर से शूट स्टार्ट है। तो अभी जाते हैं डिनर करते हैं उसके बाद सो जाते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।